नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय डे में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अब तक की सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट रेसिपी। तो दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ पर लूंगी 4 प्याली यानी 4 कटोरी मिट्टी। ये बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है जो कि हमारे आंगन में होती है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक। नमक डालने से ये जो मिट्टी है ना, ये थोड़ा सा कॉफी टाइप का हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिया है 1 ग्लास में पानी, और हमें जितना पानी चाहिए होगा हम उतना पानी का इस्तेमाल करेंगे। और ये नॉर्मल पानी है, पीने वाला पानी। थोड़े थोड़े पानी डालते जाएंगे और इसे जिस तरह हम आटा लगाते हैं ना, उसी तरह इसे तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालना है, नहीं तो हो सकता है मिट्टी भी है ना आटे की तरह थोड़ा मतलब गीला लग जाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो मिट्टी है, अगर गीला लग जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा मिट्टी और मतलब डाल दीजिए। गाढ़ापन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से लगाना है जिस तरह हम नॉर्मली आटा लगाते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो जी आप देख सकते हैं हमने इस मिट्टी को लगाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये ना तो बहुत ज्यादा गीला है और ना ही बहुत ज्यादा टाइट है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह के हमें मिट्टी को लगाना है। अगर इसमें ज्यादा पानी डल जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा मिट्टी और डाल दें, उससे आपका जो मिट्टी है ना इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसे ही लेना है मिट्टी को, इससे ज्यादा पतला बिल्कुल ही ना ले और ना ही इससे ज्यादा टाइट ले। मैंने यहाँ पे 4 अंडे को अच्छे से धो लिया है। अंडे को पकाने से पहले किसी भी चीज में आप एक बार धो ले। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इन अंडों को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह आटे के लोए बनाते हैं ना, इसी तरह लोए बना लेंगे इस तरह से हल्के हाथों से। फिर इस तरह से कर लेना है और उनके बीच में ये जो हमारा अंडा है इस तरह रख देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अंडा अगर इस तरह मतलब कीचड़ सा लग रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, और जितना माटी की आवश्यकता होगी ना आप उतना माटी जरूर डाल दें और इस तरह से अच्छी तरह कवर कर दें, जरा सा भी नहीं दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा है पूरी तरह से कवर हो चुकी है। इसी तरह से कवर कर लेना है, कहीं से भी मतलब नहीं दिखनी चाहिए। तो चलिए इसी तरह सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी आप देख सकते हैं चारों अंडों को हमने इस तरह से कवर कर लिया है। ये कहीं से भी आपको नहीं दिख रहा होगा अंडा, तो इसी तरह से आप 4 ले 5 ले जो भी ले इस तरह से कवर करना है आपको। अब हम इसमें भी 4 कटोरी मिट्टी डाल देंगे। गैस को हमने इस टाइम फुल कर रखा है ताकि हमारी मिट्टी जो है वो जल्दी गर्म हो जाए। मिट्टी को एक बार ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि हमारा जो मिट्टी है वो नीचे वाला गर्म हो चुका है और ऊपर वाला जो है वो भी गर्म हो जाए। तो दोस्तों हमने मिट्टी को 4 मिनट तक फुल गैस पर फ्राई करना ही कह सकते हैं क्योंकि गर्म कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी मिट्टी से हल्का हल्का जो है भाप से निकल रही है। तो अब हम मिट्टी को इस तरह से कर देंगे ताकि बीच में थोड़ा सा जगह हो जाए, और एक एक करके हमने जो भी बॉल्स बनाए ना इन बॉल्स को डाल देंगे। कढ़ाई थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, आप बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करें तो सही रहेगा ज्यादा। 2 मिनट बाद में धीरे धीरे से एक बार जरूर हिला दें। आप देख सकते हैं 2 मिनट में मिट्टी का जो कलर है हल्का सा मतलब सूखा सूखा सा लग रहा है। तो अब इस तरह से थोड़ा सा मतलब वो कर दे, पलट दे, बहुत ही हल्के हाथों का इस्तेमाल करें, नहीं तो ये फूट सकती है। अब हम इसी तरह से 5 मिनट के लिए इस अंडे को छोड़ देंगे, इससे ये जो मिट्टी का गीलापन है वो सोख लेगा गर्म मिट्टी। तो चलिए 5 मिनट बाद मिलते हैं। आप देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर हमारे इसमें से ये जो मिट्टी है इसमें से धुआं सा निकल रही है, यानी भाप सा निकल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम इसे चमचे की सहायता से धीरे धीरे पलट देंगे इस तरह से। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से पलट जाती है, आपने देखा अभी। तो हमने यहाँ पे चारों मिट्टी के बॉल्स को पलट दिया है। यहाँ पे ले लिया गमला क्योंकि मेरा कढ़ाई जो है छोटा पड़ गया। अगर आप बड़े कढ़ाई लेते हैं तो कोई भी प्लेट से इस तरह से कवर कर देनी है जिस तरह हम इडली सांभर बनाते वक्त करते हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से भी इसमें हवा वगैरह निकलेगा नहीं, ये बिल्कुल भाप बन सकती है। तो इसी तरह के आपको ढक्कन लगानी है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट तक पका लेंगे। गैस को हम मीडियम में रखेंगे। हमारे जो मिट्टी है पूरी तरह मतलब सूख चुका है, देख सकते हैं ये काफी गर्म है। इसे पकड़ने के लिए हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बहुत ही ज्यादा गर्म है, ऊपर से सूख चुका है और अंदर से देखिए ये अभी भी गीला है। तो दोस्तों मैंने इन बॉल्स को लगभग 15 मिनट तक धीमे गैस पर यानी पका लिया है। तो जी अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन बॉल्स को ठंडे होने का इंतजार करेंगे। जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए तब तक इसे ना फोड़े,
क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गर्म है और अगर आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी हो तो आप इसे पानी में डाल दे तो मिट्टी है आसानी से घुल जाएगी। तो फाइनली वो टाइम आ गई है जब ये पूरी तरह से ठंडा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे मैं इसे हाथों से छू पा रही हूँ, 15 मिनट में ठंडा हो जाती है। तो चलिए इसे मतलब इस तरह, तो जी आप देख सकते हैं इसी तरह से सारे अंडों को इस तरह मिट्टी हटाकर फोड़कर और निकाल लिया है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक अंडे निकाल भी लिए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे जो अंडे है कैसे भी क्रैक या फिर मतलब फूटा हुआ नहीं है, सारे अंडे बराबर सही है। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं, इस तरह अंडे का जो मतलब थोड़ा सॉफ्ट रहता है ना वो नहीं होता। और ये जो मिट्टी है इसे आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बर्तन मांजने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसे मतलब अच्छे से धो लें, हल्के हाथों से इस तरह मसल मसल के धो लेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर ना दे क्योंकि अभी भी मिट्टी है। और मिट्टी को अच्छी तरह धो ले नहीं तो खाने में ये दांतों में आ सकता है। हमने यहाँ पे सारे अंडे को अच्छे से धुलकर बिल्कुल रेडी कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे ये लग रही है ना बिल्कुल बॉयल, और बिना पानी के इस तरह से भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से मतलब अंडे बॉयल हो जाती है। तो अभी मैं आपको छील के दिखाती हूँ, इसे छीलना भी बहुत ही आसान है, सेम तरीका और सेम चीज़ है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल हम जिस तरह पानी से अंडे बॉयल करते हैं ना वैसा ही। सारे अंडे छीलने के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो हल्का सा डार्क कलर दिख रही है ना, ये इस जगह पर क्या है मिट्टी का जो हमने बॉल्स बनाए थे वो बॉल्स यहाँ पर थोड़ा मिट्टी कम लगा था इस वजह से ऐसा हुआ है। और ये अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से पका है और ये जो अंडा है इसका टेस्ट बहुत ही मतलब क्या बताऊँ बहुत ही गजब की आती है। आप जब खुद ट्राई करेंगे तब आपको पता लगेगा। देखिए ये सारे में तो नहीं हुआ है लेकिन जिसमें मिट्टी का जो बॉल्स बनाया उसमें कवर कम हुआ है ना मिट्टी से उसी में हुआ है, तो इससे घबराया नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। सारे अंडे छीलने के बाद में यहाँ पे लगा लेंगे चाकू की सहायता से चीरा। इस तरह से मैं एक अंडे में चार चीरा लगा रही हूँ, इससे अंडे जब फ्राई करते हैं तो छींटे आते हैं ना या फिर आवाज़ होता है पट पट की जो, तो वो वाली आवाज़ नहीं आएगी और छींटे नहीं आएगी। तो इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, नमक हल्दी के साथ में अंडे को जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे अंडे नमक हल्दी के साथ में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। हमने यहाँ पर मसाले में लिए हैं एक मीडियम अकर का टमाटर, एक मीडियम अकर का प्याज, 5-7 काजू, 5-7 बादाम, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने बीच में टुकड़े कर लिए है ताकि मिक्सर जार में पीसने में आसानी हो, बारीक कटी हुई हरा धनिया, 4 लाल सूखी मिर्ची, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले, 2 तेज पत्ता, 7 काली मिर्च, 5-7 लौंग। अगर आपके पास काजू और बादाम ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सारे सामग्री को हरा धनिया को हटाकर मिक्सर जार में पीस कर तैयार कर लेंगे। इसी कढ़ाई में इसी तेल में सब्जियां बनाऊंगी, आप चाहे तो अलग से कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे इसी कढ़ाई में बनाऊंगी, इससे हमारा जो बर्तन है वो बहुत ही कम लगेगा, एक ही कढ़ाई में दोनों काम हो जाएगा। चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में हमने जो मसाला पीस कर तैयार किया है उसे डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाले को साथ में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को हम इस टाइम मीडियम टू लो के बीच में रखेंगे। हमने इसमें खड़े मसाला का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने जिस टाइम मिक्सर जार में ये टमाटर मिर्ची को पीसा था उसी में हमने सारे खड़े मसाला को पीस कर तैयार कर लिया है, पर आप चाहे तो साबुत मसाले को छोंक कर भी सब्जी बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो, दोनों में से पीसना या फिर छोंकना। देख सकते हैं हमने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया और अब हम मसाले को 3 से 4 मिनट धीमे गैस पर पका लेंगे या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ना शुरू कर दे। मसाले को 4 मिनट तक धीमे गैस पर पका लिया है तो आप देख सकते हैं हमारे मसाला जो है पहले से काफी गाढ़ा भी हो चुकी है और इसके साथ ही मसाले में से तेल अलग होना शुरू हो गई है, यानी हमारा जो मसाला है ये अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। तो अनुसार पानी डाल देंगे, पानी के साथ में मसाले को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस टाइम हम गैस को फुल रखेंगे ताकि हमारे ये जो मसाला का पानी है जल्दी से बॉयल हो जाए। सब्जी में अच्छे से बॉयल आ चुकी है, हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे को डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही अच्छा आएगा, 2 बारीक कटी हुई हरा धनिया। मसाला और हरा धनिया के साथ में सब्जी को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके साथ ही हरा धनिया भी मिक्स हो जाए। अब हम इस सब्जी को धीमे गैस पर 1 से 1.5 मिनट तक और पका लेंगे ताकि हमने अभी जो गरम मसाला डाला है इसका फ्लेवर सब्जी में अच्छे से आ जाए, इसके साथ ही इसका जो टेस्ट है इससे बहुत ही बढ़िया आएगी। इससे 1.5 मिनट बाद में आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है बिल्कुल तैयार है। तो जी दिखने से आपको लग रहा होगा कि जैसे मुंह में पानी आ गए हो, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे वीडियो के आने वाले की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।